आरएसएस की शाखा और संगठन में महिलाओं की एंट्री तय, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देकर लोगों को जोड़ेंगे, मुसलमानों के बीच इमेज सुधारने की तैयारी। हरियाणा में पानीपत के समालखा गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 3 दिन की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक के 2 अहम एजेंडे हैं, पहला आरएसएस में जल्द से जल्द महिलाओं की एंट्री सुनिश्चित करना, दूसरा संघ ही समाज के मिशन को पूरा करने के लिए प्लान बनाकर उसे अमल में लाना। 2025 में संघ 100 साल का हो रहा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले या फिर 2025 के शुरुआती महीनों में महिलाओं के लिए अलग संगठन या उनकी आरएसएस में एंट्री का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि दुर्गा वाहिनी के नाम से आरएसएस की महिला शाखा है, लेकिन अब संघ में महिलाओं की अलग शाखाएं लगाने का फैसला इसी बैठक में लिया जा सकता है। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मनमोहन वैद ने 12 मार्च को महिलाओं की संगठन में एंट्री को लेकर संकेत भी दिए। उन्होंने कहा, इस बैठक में महिलाओं को शाखा से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक महिलाओं की शाखाएं अलग होगी या संगठन ही अलग होगा, इस पर विचार चल रहा है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।